वसीम साहब स्वागत है आपका। सर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों से आती हुई दिखी, एक बार जरा अपडेट दें आपकी कॉल्स के और साथ ही उसके बाद मैं रहता हूँ फ्रेश कॉल्स भी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, तो ये तो वॉलेटिलिटी कल के लिए है लेकिन आपको कोई दो राय नहीं है। देखिए आपको बैंक निफ्टी 36,937 में कहा था, 37,895 बिक गया और बैंक्स में तो शुरुआत है सर, बैंक्स के रिजल्ट सबसे अच्छे आएंगे। बाकी आपको जो अपडेट दिया था अल्ट्राटेक, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम, कैन बैंक, वो सब हो गए। सुबह आपको मैंने दिया था पीएफसी और वो अभी कायम है पीएफसी और वो दोनों अगले महीने के। अब आपके लिए दो बाय कॉल हैं जो मेरे हिसाब से चाइना को भी प्ले कर रहे हैं एंड दे आर नाउ द बेस्ट स्टॉक्स टू बाय। इंद्रा पीएफसी होल्ड करने की राय बताएं सर, आप दो फ्रेश खरीदारी वाले ट्रेड्स। तो देखिए पहला तो चाइना में मेटल्स हैव स्टार्टेड बैक और सबसे बढ़िया रिजल्ट जो मेटल्स का था वो सेल का था। अब आप सेल को 130 से देख रहे हैं और अभी अगर नहीं लिया तो कभी नहीं लोगे। 110.11 में लीजिए, स्टॉप लॉस है 8 रुपए का, 118 का टारगेट और मुझे ये लगता है ये बहुत जल्दी आ जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा बैंक आईसीआईसीआई जिसके नंबर सबसे रोबस्ट हैं, सम ऑफ पार्ट बिजनेसेस आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, 762.63 में लीजिए अगर आपको लेना है फ्यूचर अगले महीने का। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 750 और टुडे इज लो एट 748.55, दिस इज हेडेड टू 782 टू 785। तो दो दिग्गजों में खरीदारी करने की राय। सेल बड़े लंबे समय बाद कहीं रिकमेंडेशन लिस्ट पर आया है और यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है फेवरेबल, मानना है बस इन साहब का खरीदें 108 के स्टॉप लॉस के साथ, 118 के टारगेट अगले महीने के फ्यूचर्स। आईसीआईसीआई बैंक खरीदे 760.62 के आसपास अगले महीने के फ्यूचर्स, 750 का लगाएं स्टॉप लॉस, 782 से 785 तक के टारगेट के लिए है खरीदारी करने की राय आपके लिए।